अस्सलाम वालेकुम। आज के कोर्स के अंदर हम डिस्कस करेंगे हाउ वीएस कैन इन्हांस देयर ऑनलाइन प्रेजेंस वर्ल्ड वाइड। एक वीए जो है वो किस तरह से अपनी प्रेजेंस को जो है वो इन्हांस कर सकता है वर्ल्ड वाइड। इसके अंदर हम बहुत सारे पैटर्न्स पढ़ेंगे, तरीकाकार पढ़ेंगे, सारी चीज़ों को डिटेल से देखेंगे। मेरा नाम है मोहम्मद अहमद और आज की क्लास के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि व्हाई ऑनलाइन प्रेजेंस इज कंपल्सरी फॉर अ सर्विस प्रोवाइडर। एक सर्विस प्रोवाइडर के लिए, एक वीए के लिए जो ऑनलाइन प्रेजेंस है वो क्यों जरूरी है। देखा जाए तो एक वीए वर्चुअल असिस्टेंट अपना सारा बिजनेस या अपना सारा काम वर्चुअली परफॉर्म कर रहा होता है। उसका उसका टोटल जो मॉडल है, जो उसका जॉब डिजाइन मॉडल है या वर्किंग मॉडल है, वो बेस्ड ही जो है वो ऑनलाइन करता है। जितने भी सर्विस प्रोवाइडर हैं, फ्रीलांसर हैं, वो ऑनलाइन जो है परफॉर्म करते हैं। ये कितना ज़्यादा ज़रूरी है कि आपकी ऑनलाइन प्रेजेंस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, उसका एक इम्पैक्ट क्रिएट हो, ताकि आपका कस्टमर जो है वो ग्रैब हो, आपका बिजनेस जो है वो फ्लरिश करे, बढ़े और आप ज़्यादा से ज़्यादा वर्ल्ड वाइड अपने डिफरेंट क्लाइंट के साथ कनेक्ट हो सकें, लोग आपको जान सकें कि आप क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं और आप अपने बिजनेस को एक्सेल कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि ऑनलाइन जो है वो वर्चुअली आपका रहना, उसके ऊपर काम करना या वर्चुअल मार्केट को समझना कितना ज़रूरी है। एक वीए जो प्रोफेशनल वीए है, जो ज़्यादा इस फील्ड के अंदर इन है, जिन्हें काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस हो चुका है काम करते, वो तो इन सारी चीज़ों को समझते हैं। बेसिकली ये जो कोर्स है वो डिज़ाइन किया गया है न्यू बीज के लिए, ताकि उन्हें वर्चुअल एग्जिस्टेंस की जो अहमियत है वो समझ में आ सके। तो एक यूएस सर्वे के मुताबिक एक जो एडल्ट इंसान है वो दिन में तकरीबन 8 घंटे जो है वो डिजिटल, डिफरेंट डिजिटल एक्टिविटीज के अंदर मुलविस रहता है। अगर आप देखा जाए तो अगर आप यूएस के अंदर एडल्ट का स्लीपिंग पैटर्न का भी सर्वे करवाए ना, तो 8 घंटे उनका एवरेज पर्सन सोता भी नहीं है। मतलब एवरेज पर्सन की जो उनकी जो स्लीपिंग टाइम आवर्स हैं वो 8 आवर्स नहीं बनते, लेकिन डिजिटल एक्टिविटीज के अंदर वो 8 आवर्स के अंदर जो है दिन के 8 घंटे मुलविस रहते हैं डिजिटल एक्टिविटीज के अंदर, जिसके अंदर उनकी हॉबीज आ जाती हैं, गेमिंग है, उसके अंदर सोशल प्लेटफॉर्म्स हैं, उसके बाद उनका जो है प्रोफेशनल कंज्यूमर्स का जो मामलात हैं या प्रोफेशनली अगर वो किस चीज़ को डील कर रहे हैं या उनके मामलात हैं, तो वो सारी चीज़ें आ जाते हैं डिजिटल एक्टिविटीज के अंदर। अब यहाँ पे आपको एक ग्राफ के जरिए समझाया गया है कि एडल्ट्स डेली टाइम स्पेंड विद डिजिटल एक्टिविटीज, एक मार्केटिंग चार्ट है जो सर्वे हुआ था 2019 के अंदर, क्या थे 6 घंटे तकरीबन 50 मिनट जो है, और 2022 तक ये जो है 8 घंटे 2 मिनट तक बात जा रही है कि एक एडल्ट जो है वो डिजिटल एक्टिविटीज के अंदर दिन में 8 घंटे जो है वो स्पेंड करता है। इसके बाद आ जाता है कि हाउ डू यू डिफाइन ऑनलाइन प्रेजेंस। अब ऑनलाइन प्रेजेंस का मतलब एक आम आदमी के लिए ये नहीं है कि आपने एक अकाउंट बना लिया और उसके ऊपर आप ऑनलाइन बैठे हुए हैं, इसका मतलब है कि आप जो हैं वो आपकी ऑनलाइन प्रेजेंस हो रही है। ये बेसिकली इसको 3 चीज़ों में डिवाइड किया गया है। इसमें आप खुद आ जाते हैं, आप ऑनलाइन जो डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे मौजूद हैं उसके ऊपर आप किस तरह के एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं और किस तरह का कंटेंट प्रोड्यूस कर रहे हैं। आपका कंटेंट अगर क्रिएटिव होगा, आपका कंटेंट आपकी फील्ड से रिलेटिव होगा, आपका कंटेंट आपकी प्रोडक्ट से रिलेटिव होगा, तो आप एक अच्छा इम्पैक्ट क्रिएट कर रहे हैं। और द इंटरनेट, ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, इसे समझना ज़रूरी है। वेयर यू स्टैंड विद रिगार्ड टू सर्च इंजन एंड सोशल मीडिया एल्गोरिथम। सोशल मीडिया और सर्च इंजन के जो एल्गोरिथम हैं वो कंट्री टू कंट्री और एरिया टू एरिया वेरी करते हैं। तो इस टेक्निक को समझना बहुत ज़रूरी है कि आप जिस एरिया में मौजूद हैं या आप जिस जगह मौजूद हैं, जिस जगह पे आप इंटरनेट के ऊपर खुद को, अपनी खुद की प्रेजेंस को बहाल करने के लिए जो टेक्निक्स यूज़ कर रहे हैं, क्या आया वो उस एरिया से रेलिवेंट हैं, क्या आया उस एरिया के मुताबिक उन सोशल मीडिया अकाउंट्स के जो एल्गोरिथम्स हैं या प्लेटफॉर्म्स के जो तरीकाकार हैं, क्या वो उसी तरह से काम करते हैं जो टेक्निक्स को आप फॉलो कर रहे हैं, तो ये भी बहुत अहमियत रखता है। नेक्स्ट जो थर्ड है वो पब्लिक है, कि पब्लिक किस तरह से आपके ऑनलाइन बिजनेस को देखती है, परसीव करती है, उसके बारे में राय रखती है, आप किस तरह की पब्लिक को एंगेज कर रहे हैं, आया आप अपने टारगेट ऑडियंस को एंगेज कर भी पा रहे हैं या नहीं, और सबसे मेन बात कि आपने अपनी जिस ऑडियंस को टारगेट किया है क्या वो रेलिवेंट भी है या नहीं। तो ये 3 जो है मेन फैक्टर मिलके जो है वो आपकी ऑनलाइन प्रेजेंस को बनाते हैं। ये 3 मेजर फैक्टर है।
उसके बाद जो है, अगर आपकी ऑनलाइन प्रेजेंस जो है वो सही नहीं है, अच्छी नहीं है, और आप एक वर्चुअल असिस्टेंट हैं, तो आपको इम्पैक्ट नहीं क्रिएट कर रहे, क्लाइंट्स आपके पास नहीं आएंगे, आपके जो बिजनेस है वो फ्लोरिश नहीं कर पाएगा, वो आगे नहीं बढ़ पाएगा, तो ऑनलाइन प्रेजेंस का होना बहुत जरूरी है एक वीए के लिए। आप वीए के लिए कह लें कि ऑनलाइन प्रेजेंस जो है एक वीए की शारा होती है, ठीक है। ऑनलाइन प्रेजेंस के अंदर जब आप नीचे गिरना शुरू हो जाते हैं, यहाँ पर ग्राफ नीचे गिरना शुरू हो जाता है, तो आपके आपको जो न्यू क्लाइंट्स मिल रहे होते हैं उनकी रेशियो भी कम हो जाती है। तो आप अपने जितने बड़े मेंटोर्स को देख लें, आपको मैं एक छोटी सी एग्जांपल दे देता हूँ कि जितने आपके बड़े बड़े मेंटोर्स हैं, जितने बड़े बड़े नाम हैं, जितने बड़े बड़े ट्रेनर्स हैं अमेजोन की दुनिया के अंदर, आपने देख लें वो कितने ज्यादा इन हैं, उनके आप जितने प्लेटफॉर्म्स उठाकर देख लें, वो हर प्लेटफॉर्म के ऊपर एग्जिस्ट कर रहे हैं, और बहुत डिटेल्ड उनके बारे में नॉलेज जो है मिल रहा है, और लोगों को पता है कि ये शख्स जो है ये एक वर्चुअल असिस्टेंट है, या फिर ये एक अमेजोन के ऊपर ट्रेनिंग देता है लोगों को, या एक ये मेंटोर है, तो आपको बहुत आसानी से उनके बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाती है। तो इससे भी आप अंदाजा लगा सकें कि एक परफेक्ट वर्चुअल असिस्टेंट होने के लिए या सर्विस प्रोवाइडर होने के लिए आपकी ऑनलाइन एग्जिस्टेंस कितनी ज्यादा जरूरी है। उसके बाद यहाँ एक ग्राफ के जरिए, एक ग्राफ ग्राफिक इमेज जो है वो इस्तेमाल की गई है, जिसके अंदर आपको थोड़ा सा एनिमेशंस के जरिए कनेक्शन समझाया गया है ऑनलाइन प्रेजेंस का। इसके बाद हम देखेंगे व्हाई यू नीड अ स्ट्रॉन्ग ऑनलाइन प्रेजेंस, कि आपको जो है एक स्ट्रॉन्ग ऑनलाइन प्रेजेंस होना आपके लिए क्यों जरूरी है, किस हद तक जरूरी है। आपकी रेपुटेशन बिल्डिंग इससे होती है, आप जो ब्रांड, आप जिसके ऊपर काम कर रहे हैं, जो आपका ब्रांड है उसके रिलेटेड अवेयरनेस इससे आती है, आपसे रिलेटेड ऑडियंस जो है आपकी अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होती हैं, ऑडियंस को आपके बारे में पता चलता है, आपकी क्वालिटीज के बारे में, आपके एक्सपीरियंसेस के बारे में। तो ये सारी चीजें आप लोगों को देखिए, एक बात मैं हमेशा अपने स्टूडेंट से कहता होता हूँ कि आप वही हैं जो आप लोगों को दिखाते हैं, कोई नहीं जानता कि आप क्या हैं। जिस तरह से आप अपने आप को प्रेजेंट करेंगे, जिस तरह से आप लोगों को दिखाएंगे, लोग भी आपको वैसे ही परसीव करेंगे। तो काफी दफा ऐसा होता है कि सोशल अकाउंट्स के ऊपर या ऑनलाइन एक शख्स की प्रेजेंस इतनी ज्यादा स्ट्रांग होती है कि आप समझते हैं कि बहुत बड़ा तीस मार खान है, और आप उसको फॉलो करना शुरू कर देते हैं, जबकि पर्सनल लाइफ में जब आप उसे मिलते हैं तो आपको समझ आती है क्या जाती है, और ये शख्स तो हमारे जैसा ही है, लेकिन सोशल अकाउंट्स के ऊपर या ऑनलाइन उसका इतना स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट है, लोग जो हैं वो उसको आइडियलाइज करते हैं, उसको फॉलो करते हैं, लेकिन जब आप उसे पर्सनल लाइफ में मिलते हैं तो आपको समझ आता है कि यार ये तो शख्स किसी काबिल है ही नहीं। तो इतना स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट होता है ऑनलाइन प्रेजेंस का, और लोग आज की दुनिया में तो इसका सख्त से सख्त ख्याल रखा जाता है कि आपका ऑनलाइन इमेज ही आपका सब कुछ है। जो लोग आपको पर्सनली जानते हैं वो ज्यादा से ज्यादा 5 लोग होंगे या 10 लोग होंगे। उसके बाद आपकी जितनी भी रेपुटेशन है, सारा कुछ है, वो ऑनलाइन एग्जिस्ट कर रही होती है, तो आपका आपकी जो ऑनलाइन प्रेजेंस है उसका स्ट्रॉन्ग होना बहुत जरूरी है। इसमें हमने कुछ की फैक्टर्स जो बताए हैं कि किस तरह से आपकी ऑनलाइन प्रेजेंस जो है वो स्ट्रॉन्ग हो, तो उससे क्या क्या बेनिफिट आपको मिलते हैं, तो हम उनको डिस्कस कर लेते हैं। पहले है गेट डिस्कवर्ड, आपका जो टारगेट ऑडियंस है या जो आपका कस्टमर है या क्लाइंट है, उसके लिए आपको ढूंढना आसान हो जाता है। आया कि वो आपको कॉन्शियसली ढूंढ रहा है या अनकॉन्शियसली, कई दफा ऐसा होता है कि वो आपसे रिलेट उसको एक काम चाहिए, काम वो करना चाहता है, तो उससे रिलेटेड वो एक शख्स ढूंढ रहा है, तो आपकी ऑनलाइन प्रेजेंस बहुत स्ट्रांग है, तो आप उसे नजर आ गए। और कई दफा ऐसा होता है कि आपकी ऑनलाइन प्रेजेंस इतनी ज्यादा स्ट्रांग है कि लोग ही आपको शेयर कर रहे हैं, और एक शख्स आपको ढूंढना भी नहीं चाह रहा था या आपकी प्रोडक्ट भी नहीं लेना चाह रहा था, तो आप उसके सामने सोशल मीडिया पे शो हो गए, क्योंकि आप मार्केटिंग टेक्निक्स यूज कर रहे थे। तो तब भी जो है आपकी आपकी जो आपकी जो अवेयरनेस है आपके बारे में, आपके ब्रांड के बारे में, आपके प्रोडक्ट के बारे में, तो वो इम्प्रूव होती रहती है। उसके बाद है बी सीन एज अ लेजिटिमेट बिजनेस। अच्छा, कंज्यूमर की खास तौर पे अगर अमेजोन की बात करें ना, तो अमेजोन का जो यूजर होता है ना, वो चीज को रिसर्च करके लेता है, वो चीज को कंपेयर करके लेता है, वो चीज के बारे में, अपने प्रोडक्ट के बारे में पहले आर्टिकल्स पढ़ता है, वो चीजों को रिलेट करता है कि मैं किस तरह की चीज लेना चाह रहा हूँ। तो भाई सबसे पहले
आपका जो भी बिजनेस, आप जिस भी बिजनेस को क्रिएट कर रहे हैं उसके लिए आप डिफरेंट आर्टिकल्स लिखें। अब वीएस को अच्छी तरह ये जानते हैं कि आप एक वेबसाइट क्रिएट करवाते हैं जब आप कोई होलसेल के अंदर बिजनेस कर रहे हो या किस तरह से, तो उसके अंदर आप डिफरेंट आर्टिकल्स वगैरह लिखवाते हैं, अवेयरनेस क्रिएट करते हैं, ताकि आप जो है जब कोई आपको सर्च करे तो उसके पास एक कंपेयर करने के लिए नॉलेज हो कि बैक एंड पे चीजें किस तरह से चल रही हैं। तो अपने प्रोडक्ट के बारे में, अपने बिजनेस के बारे में डिफरेंट सोशल अकाउंट्स पे या डिफरेंट डिजिटल अकाउंट्स के ऊपर आप इंफॉर्मेशन पुट करें, अच्छे अच्छे आर्टिकल्स लिखवाएं, ताकि जब कोई शख्स कंपैरिजन में जाए तो उसे कंसर्न नॉलेज मिल जाए जो वो हासिल करना चाह रहा होता है। इससे मोर चांसेस होते हैं कि वो आपके साथ कनेक्ट हो जाए। उसके बाद मार्केट योर बिजनेस 24/7। ऑनलाइन एग्जिस्टेंस के अंदर या ऑनलाइन प्रेजेंस के अंदर आप अपने जो आपका जो सबसे मेजर इसका बेनिफिट है वो यही है कि आप 24 घंटे हफ्ते के 7 दिन, साल के 365 दिन आप अपनी मार्केटिंग कर सकते हैं। आप फिजिकल इतनी अच्छे से जो है एक्टिव नहीं हो सकते जितना आप ऑनलाइन एक्टिव हो सकते हैं। आपकी 24 घंटे मार्केटिंग हो रही है, आप डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल हैं जिसके ऊपर डिफरेंट चीज़ों से आपने कस्टमर्स को एंगेज किया हुआ है, कस्टमर्स को आपने अपने साथ अटैच किया हुआ है, क्लाइंट्स को अपने साथ अटैच किया हुआ है, तो वो एक सारी जो है एंगेजमेंट जो है वो आपको ऑनलाइन जो है वो बहुत अच्छी मिल जाती है। उसके बाद है सेव मनी। अब जो लोग प्रोफेशनल भी हैं उन्हें पता है डिजिटल मार्केटिंग क्या होती है, किस तरह से हम मार्केटिंग करते हैं। जो न्यू बीज है उनके लिए मैं बताता चलूं कि जब हम डिजिटल मार्केटिंग कर रहे होते हैं ना तो हमारे पास तमाम स्टैट्स शो हो रहे होते हैं कि हमारी कौन सी स्ट्रेटजी जो है वो कामयाब हो रही है, कितने फीसद लोग हमें देख रहे हैं, कितने फीसद लोगों ने इसके ऊपर क्लिक किया है, कितने फीसद लोगों ने इसे पढ़ा है, कितने फीसद लोगों ने इस पर इंटरेस्ट शो किया है। तो आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल रही होती है कि आपकी कौन सी स्ट्रेटजी जो है वो कामयाब जा रही है। फिर जो स्ट्रेटजी आपकी कामयाब हो रही होती है आप उस पर मजीद बजट खर्च करते हैं, और जो जिस जगह पे आपको रिजल्ट नहीं मिल रहे होते तो आप उससे बजट रोक लेते हैं, अपना बजट को होल्ड कर लेते हैं। तो इससे आप काफी ज्यादा पैसे भी बच जाते हैं क्योंकि तमाम स्टैट्स आपको शो हो रहे होते हैं और मॉडर्न वर्ल्ड जो है वो तमाम की तमाम कैलकुलेशन पे चलती है, तो सारे स्टैट्स जो है आपके पास इसके अंदर आ रहे होते हैं। उसके बाद है गेट मोर कन्वर्जन। अच्छा, कन्वर्जन एक टेक्निकल टर्म है, मैं न्यू बीज के लिए बता दूं कि आपको एक मैं सिंपल सी एग्जांपल देता हूं कि अगर आप इनेबलर्स के पेज पे मौजूद हैं और इनेबलर्स के पेज के ऊपर आप आते हैं और वहां आके आप कमेंट सेक्शन में लिखते हैं कि मैं कोर्स करना चाहता हूं तो मुझे बताएं कोर्स की क्या डिटेल्स हैं, या मैं अमेजोन की कोर्सेज के वीए के बैच के कोर्सेज के अंदर इंटरेस्टेड हूं तो मुझे प्लीज गाइड कर दें, तो अभी आप लीड हैं। कन्वर्जन का मतलब होता है कि एक लीड जो है उसे कस्टमर में कन्वर्ट करना। अभी आप लीड हैं तो अभी एक शख्स आएगा इनेबलर्स के ग्रुप के अंदर ही, वो आपको गाइड करेगा इसमें ये चीज़ें होती हैं, इसके ये फायदे होते हैं, आप इस तरह कर सकते हैं, आप उस तरह कर सकते हैं। जब आपका जहन बन जाता है कि हाँ ठीक है मुझे ये कोर्स परचेज करना चाहिए, मुझे ये चीज़ सीखनी चाहिए, तो आप इनेबलर्स के कस्टमर बन जाते हैं। तो इसे कहते हैं कन्वर्जन को, इसे कहते हैं कन्वर्जन, लीड को अपनी लीड को कस्टमर के अंदर कन्वर्ट करना। तो एक एवरेज के मुताबिक 7 इनकाउंटर्स लगते हैं, यानी कि 7 डिफरेंट एफर्ट्स जो हैं वो पुट करनी पड़ती हैं आपको एक लीड को कस्टमर के अंदर जो है कन्वर्ट करने के लिए। आपको प्रोमिनेंट होना पड़ता है मल्टीपल चैनल्स के ऊपर, क्रिएट अपॉर्चुनिटीज करने के लिए और कस्टमर को एंगेज रखने के लिए मोर क्विकली, ताकि आपकी कन्वर्जन जो है होती रहे। अगर एक शख्स आपकी वेबसाइट पे आया या आपकी पेज पे आया और उसके ऊपर उसको कोई उसको अच्छे ऐड नहीं नज़र आ रहे हैं या अच्छी उसको पोस्ट नहीं नज़र आ रही या उसको कोई कंटेंट नहीं नज़र आ रहा, तो वो एक दफ़ा अगर आपके पेज पे आ भी गया है तो वो आपसे चीज़ नहीं लेगा, वो चला जाएगा वहाँ से, वो आपके साथ रब्ता नहीं करेगा। या अगर एक शख्स वो उसने आपकी प्रोफाइल ओपन की और वो प्रोफाइल ओपन करने के बाद अब देखता कि बड़ा नॉन प्रोफेशनल सी आपकी प्रोफाइल है, फेसबुक प्रोफाइल, तो वो आपको आपके साथ रब्ता नहीं करेगा, वो आपके साथ जुड़ेगा नहीं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आपको आपको लीड को जो है ना वो कस्टमर में कन्वर्ट करना आना चाहिए। उसके लिए डिफरेंट टेक्निक्स हैं, वो हम आगे भी देखेंगे। इसके ऊपर पूरी हमारी एक क्लास है कि हम अपना किस तरह से फेसबुक का प्रोफेशनल अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं जो कि क्लाइंट को हंट करने के लिए बहुत ज़रूरी है, क्लाइंट की साइकी के हिसाब से बहुत ज़रूरी है। तो हम इसके ऊपर अगली नेक्स्ट क्लासेस में बात करेंगे। उसके बाद आया था अर्न गूगल ट्रस्ट। गूगल जो है वो सिर्फ आपकी वेबसाइट से डाटा कलेक्ट नहीं कर रहा होता, वो पॉसिबल तमाम वो इन चीज़ों को देख रहा होता है या तमाम उन एसेट्स के ऊपर काम कर रहा होता है जो अक्रॉस द पूरी वेब जो है या पूरी
वर्ल्ड पे जहां जहां मौजूद होते हैं, जहां जहां से उसे डेटा मिल रहा होता है, वो उस हिसाब से कंपैरिजन करके आपकी रैंकिंग कर रहा होता है। इसके अंदर जो वीए के एक्सपर्ट हैं, अभी क्योंकि ये न्यू बेस के लिए है तो मैं इसकी डिटेल में नहीं जाऊंगा, जो वीए के एक्सपर्ट्स हैं वो अच्छी तरीके से जानते हैं कि गूगल रैंकिंग के लिए कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं, क्योंकि गूगल के जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सॉफ्टवेयर हैं वो बहुत खतरनाक किस्म के हैं, वो डिटेक्ट कर लेते हैं कि फेकिंग कहाँ से हो रही है। लेकिन फिर भी कुछ टेक्निक्स एग्जिस्ट करती हैं जो हमारे वीएस यूज करते हैं रैंकिंग के लिए, और काफी मेहनत लगती है, और ये बहुत हुनरमंद और तजर्बामंद काम है। उसके बाद आता है लास्ट पॉइंट है हमारा, परफेक्ट योर बायर जर्नी। 63% ऑफ शॉपिंग जर्नी स्टार्ट ऑनलाइन। अब मॉडर्न वर्ल्ड के अंदर कोरोना के बाद भी ये रेशियो बढ़ी है कि 63% शॉपिंग जर्नी जो है वो ऑनलाइन हो रही है विद अ स्ट्रॉन्ग ऑनलाइन प्रेजेंस। तो अमेजोन का बिजनेस पूरी वर्ल्ड के अंदर जहाँ पे तमाम बिजनेसेस जो हैं वो डिक्लाइन हुए हैं, अमेजोन का बिजनेस बढ़ा है। इसका मतलब है कि लोगों में ऑनलाइन शॉपिंग का रुझान बढ़ा है। तो आपने जो है अपनी जो क्लाइंट की जर्नी है उसको बड़ा परफेक्ट रखना है, उसकी वजह नहीं ऑनलाइन प्रेजेंस ऑनलाइन प्रेजेंस ऑनलाइन प्रेजेंस को स्ट्रॉन्ग करें। आप 24 आवर उसके लिए अवेलेबल रहें कंज्यूमर के लिए, आप उसको डिफरेंट जगह पे जहाँ पे उसको गाइडेंस की जरूरत है आप साथ वक्त वक्त से जो है वो उनको गाइड करते हैं, उनके साथ टच में रहें। तो बहुत सारी चीजें हैं जिस तरह जिसके साथ जो है आपको डिफरेंट फायदे मिल सकते हैं, डिफरेंट चीजें हैं जो आपको आपकी जो ऑनलाइन प्रेजेंस है उसको इनहेंस करती हैं। और एक वीए के लिए तो अगर एक वीए इन चीजों में अच्छा नहीं है ना, तो वो एक अच्छा वीए नहीं है, बल्कि वो एक फ्लॉप वीए है, क्योंकि एक वीए को इसके अंदर महारत हासिल करना बहुत जरूरी है। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही था, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के अंदर हम बाकी डिफरेंट चीजों को देखेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।